नगर लेना हो तो अल्तमस भाई के पास ही लो, रियल बेवरेज, कहीं भी मत जाओ, मैं जाके आया हूँ। अब अपनी अपनी हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अल्तमस और मैं रियल बेवरेज सोडा मशीन कंपनी की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज अलहमदुल्ला फिर से एक सेटिस्फाइड कस्टमर का रिव्यू लेकर के आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। अगर आप सोडा बॉटलिंग प्लांट खरीदना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक बने रहे, आपको मालूम पड़ेगा इंशाल्लाह सोडा बॉटलिंग प्लांट का क्वालिटी के बारे में मालूम पड़ेगा, इस बिजनेस के बारे में मालूम पड़ेगा, कस्टमर का एक्सपीरियंस के बारे में मालूम पड़ेगा, हमारी कंपनी के साथ एक्सपीरियंस क्या हुआ और इन्होंने कहीं और से मशीन लिया था इससे पहले ऑर्डर किया था, वो बारे में भी इनको मालूम पड़ेगा आपको। तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे, ठीक है। हम लोग बहुत दूर आ गए, अहमदाबाद से तकरीबन 1200 किलोमीटर के समथिंग दूर आ चुके हैं और अभी कर्नाटक हुबली के अंदर है। कस्टमर से एड्रेस भी पूछेंगे और सारी बात पूछेंगे इनसे, ठीक है। हेलो सर, कैसे हो? सब बढ़िया है सर, सब अच्छी आपकी दुआ है। क्या बात है, माशाल्लाह अच्छे हो आप, तबीयत पानी अच्छा है? सब बिल्कुल ठीक। सर हम आपसे बात करेंगे आपका फर्स्ट जर्नी से लेकर अभी तक का टोटल, ठीक है, ठीक है। जब पहली मरतबा अहमदाबाद आए थे तब से लेकर के अभी तक की सारी बात करेंगे आपसे हम। सर आपने मशीन जो हमारे पास से लिया, हाँ, तो आपको एड्रेस कहाँ से मिला हमारा? YouTube से मिला सर। तो YouTube से एड्रेस मिला, तो आपको और भी कोई बहुत सारी कंपनियां दिखी होगी YouTube पर? तो YouTube से पहले मैंने आपको ही देख चुका हूँ। अच्छा, YouTube में फिर उधर आने के बाद फिर दो तीन मिले मेरे को। अच्छा, फर्स्ट आए हम तुम्हारे पास ही। अच्छा, फिर और दो चार जगह देखेंगे बोल के फिर उधर दो तीन जगह गए हम, बाद में वडोदरा में एक जगह सेलेक्ट हो गया। अच्छा, तो उधर पैसा भी मैंने दे दिया उधर। अच्छा, टोकन अमाउंट कर दिया आपने? अमाउंट कर दिया उधर। यानी आप हमारे पास आए, मशीन देखा, आपको महंगा लगा थोड़ा सा, महंगा लगा, तो आप दूसरी कंपनी में चले गए? दूसरी कंपनी में चले गए, वडोदरा गए हम। हाँ, वडोदरा चले गए जी। उधर से जाने के बाद वो उनको टोकन भी दे दिया मैंने। अच्छा, टोकन अमाउंट आपने दे दिया वहाँ पर? दे दिया जी। देने के बाद वो दो महीना टाइम लिए मशीन भेज देता बोल के, मशीन भेजने के लिए दो महीना टाइम लिया। जी, तो बाद में उधर से दो महीना छोड़ के चार महीना गुजर गया तो मशीन नहीं आया वो। अच्छा, आज भेजेंगे, वो कारीगर नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है। अच्छा, तो वो डिले करने लगे, तो एक सीजन तो मेरा चले गया। अरे बाप रे जी, एक साल चले गया, बाद में वो पैसा निकालने के लिए एक साल लग गया मेरे को। यानी पैसा तो दे दिया आपने वहाँ पर, टोकन अमाउंट दे और दिया, मशीन नहीं दे रहे, ऊपर से जो टोकन अमाउंट दिया था वो वापस देने के लिए आपको परेशानी हुई, उसमें एक साल वेट करना पड़ा। एक साल वेट किया। अरे बाप रे, एक साल के बाद वो अमाउंट दे दिया। अच्छा, भेज दिया, तो फिर वापस बोला मैं देता आपको मशीन, फिर आओ आप। करके बाद में दूसरे साल हम आपके पास आए। अच्छा, आपके पास भी नहीं आए? हाँ, दूसरी जगह में गए, दूसरी और एक कंपनी, फिर हमारे पास नहीं है, फिर और कहीं कंपनी में गया। हाँ, वही गए। अच्छा, उधर जाके वो अहमदाबाद का था कंपनी? हाँ, अहमदाबाद का। अच्छा, उधर जाके टाइमर बेस वाला देखे हम। अच्छा, तो घर घर सौंडा रहा था उसमें। अच्छा, सिर्फ जब पड़ रहा था तो सौंडा रहा था एक टाइप। अच्छा, घर घर वो कम ज्यादा आ रहा था सिर्फ। तो उधर अमाउंट देने के लिए रेडी भी हुआ मन, फिर देखेंगे आओ एक दिन इधर रह के। उसे गुजर के हम आ रहे थे उधर से। अच्छा, तो एक बार, एक सेकंड में मशीन बंद कर देता। जी, फिर उधर से हम गुजर रहे थे तो एक बार इधर गए थे, एक साल हो गया था, फिर दोबारा जाएंगे बोल के। फिर आप एक साल के बाद रियल बेवरेज में फिर एक चक्कर लगाने के लिए आए? हाँ। तब मिले विशाल भाई हमारे को। हाँ। उसके बाद आप भी आए उधर। हाँ। फिर बोले एक साल हुआ हमारे पास आके गए थे तुम, तो मशीन नहीं लिया, मैं अभी बोला तो आपने बात किया अच्छी तरह से, समझाए मशीन के बारे में, तो मैं उधर टोकन अमाउंट दे दिया। देने के बाद 12 दिन में मशीन मेरे पास आ गया। 12 ही दिन में आ गया, तो प्रोडक्शन भी अच्छा है, मशीन भी अच्छा है। अच्छा, सर्विस भी बढ़िया है। कितना टाइम हो गया सर मशीन लिया आपने? मशीन लेके हो गया एक 6 मंथ के ऊपर हो गया। 6 मंथ प्लस हो गया आपको मशीन लिए? सिक्स मंथ में मशीन कंपनी के फॉल्ट से कितने दिन तक बंद रहा? बंद नहीं, स्टार्ट ही है, बंद नहीं हुआ। बंद नहीं हुआ। मेरे सवाल पर गौर कीजिएगा, बार बार ये बात बोलता रहता हूँ मैं। देखो, इस कस्टमर भी शौक होते हैं पूछ के, मतलब सवाल सुन के बंद तो नहीं रहा, ऐसा बंद नहीं रहा कंपनी के फॉल्ट से। सुबह 10 o'clock को स्टार्ट करे तो शाम में 5 बजे तक प्रोडक्शन चलता ही रहता है। अच्छा, दोनों जगह में चलता रहता है। दोनों जगह, जम्बो प्रीमियम आपने हमसे लिया ही है, तो दोनों जगह पर आपका प्रोडक्शन चलता रहता है? चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब एक बात आपसे पूछूंगा सर मैं। हाँ सर, कि आप जब मशीन फर्स्ट टाइम लेने आए तो सीधी बात आपको महंगी लग रही थी, अब आपको ये महंगी लग रही है मशीन हमारी? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल महंगी नहीं है, बढ़िया क्वालिटी है, नंबर वन है। अच्छा, मैं दूसरा मशीन देखा हूँ जी अहमदाबाद में, एक दो जगह देखा। अच्छा, वडोदरा में दो जगह देखा। अच्छा, तो मेरे को कहीं भी पसंद नहीं आई। अच्छा,
बाद में अल्तमाश भाई का ही मशीन। क्या बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। यानी आप कस्टमर जो हमारे थे, मैं ये बात कर रहा हूँ, अगर मेरी बात कहीं गलत हो तो रोकना, आप कहीं और कंपनी में गए, पहले हमारे पास आया, आपको महंगा लगा तो कोई और कंपनी में गए, वहाँ जाकर के मशीन आपने सस्ता लगा तो बुक कर दिया, फिर हाँ। आपका पैसा उन लोगों ने एक साल तक रखा, पैसा दिया नहीं वापस, चले मगजमारी करके एक साल के बाद आपने पैसा वापस दिया, मशीन तो दिया ही नहीं, नहीं, दिया, नहीं दिया, ठीक है। उसके बाद आप और कोई कंपनी अहमदाबाद में वहाँ गए, ठीक है, वहाँ का मशीन अच्छा नहीं लगा, फिर आपने रियल बेरोज में एक मन बनाया, महंगा मशीन लेने के लिए मन बनाया, आपने क्या मन बनाया कि भाई महंगा तो महंगा, चलो एक बार लेके देख लेते, तो यही देखा ना आपने, यही सोचा कि भाई अब ये लोग इतना तारीफ करते हैं मशीन का, ठीक है तो हम लेके देखते, आपने सोचा और आपने मशीन ले लिया। अब आज का पोजीशन क्या है, मैं आपको फिर से पूछूंगा, मशीन महंगा लगता है आपको? ए, नहीं, अभी तो प्रोडक्शन के हिसाब से कुछ महंगा नहीं है जी, कुछ महंगा नहीं है, प्रोडक्शन के हिसाब से देखें तो बहुत कम बजट में है। अच्छा, और प्रोडक्शन तो माशाल्लाह सुबह 10 बजे से 5 बजे तक दोनों जगह में प्रोडक्शन स्टार्ट ही रहता, कोई तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ नहीं, क्या बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपकी प्रोडक्ट का नाम क्या है, आपकी कंपनी का ये नाम क्या है? आदर्श, आदर्श, आदर्श गिटार, आदर्श सिट्रा, ये आदर्श सिट्रा है, ये आदर्श जीरा है। कितना प्रोडक्ट बनाते हो सर आप? मैं 5 प्रोडक्ट बनाता हूँ। 5 प्रोडक्ट बनाते हो आप, कौन सी सर? एक आदर्श जीरा बोल के, एक सिट्रा, एक जी, सब कस्टमर का फोन है। अच्छा, किसको कहां दूं पता नहीं चल रहा। क्यों, इतना आपके पास इतना इतना सारा प्रोडक्ट, मतलब अभी आपके पास डिमांड इतना है? हाँ, डिमांड इतना है, आपके पास देने के लिए माल नहीं है। स्टार्टिंग हम सप्लाई किए तो कुछ नहीं था। अच्छा, तब जब लेके पीने के बाद थोड़े कस्टमर को बहुत अच्छा लगने के बाद इतने फोन आ रहे, मेरे को प्रोडक्शन करने को भी नहीं हो रहा, देने को भी नहीं हो रहा। फर्स्ट टाइम आप बोतल लाए थे तो कितना लाए थे? खाली बोतल, एम्प्टी बोतल जब आप लाए थे फर्स्ट टाइम, जब मशीन लाया? फर्स्ट टाइम तो मैं जब लाया तो ये एम्प्टी बोतल 5,000 लेके आया, उतना ही, बस 5,000 बोतल, 5,000 बोतल। अभी आपने कितना बोतल का ऑर्डर किया है? अभी मेरा पूरा 6 टन का गाड़ी आ रहा है। 6 टन का गाड़ी, प्रीफॉर्म का? प्रीफॉर्म का। आप बात को नोटिस कीजिए, जब स्टार्ट किया तो सिर्फ 5,000 बोतल से स्टार्ट किया, तो अभी अभी ये प्रीफॉर्म का गाड़ी मंगवाया 6 टन का, कहाँ से मंगवाया? लातूर से, भाई काका जी का, भाई काका जिला लातूर, लातूर से मंगवाया 6 टन। 6 टन, एक किलो में कितना बोतल आता है? एक किलो में 80 बोतल आता है, 80 बोतल, यानी बोतल 12.4 ग्राम का है। क्या बात है, यानी आप काउंट कर लेना कितना हुआ, मुझे तो कैलकुलेटर लेना पड़ेगा इसके लिए, बहुत सारा बोतलों का ऑर्डर अल्हम्दुलिल्लाह सर ने कर दिया ये। अच्छा सर, कैप कितना मंगवाया? कैप उसके साथ 50 बॉक्स फिलहाल आ रहा है। 50 बॉक्स, एक बॉक्स में कितना कैप होता है? 5,500 होता है। और यानी कितना हो गया ये, काउंट कीजिए आप, माशाल्लाह 2.5 लाख कैप तकरीबन हुआ, 2.5 लाख कैप हुआ शायद, है ना? वो भी कम पड़ेगा, फिर ऑर्डर डालना पड़ेगा। अच्छा, क्या बात है, माशाल्लाह, आपको अल्लाह पाक बरकत दे। ये बोतल आपको कितने में होता है सर, कितने में पड़ता है ये बोतल आपको, कम्प्लीट फ्लेवर? 4.75 पैसा ऐसा पड़ता मेरे को। अच्छा, क्योंकि आप बोतल खुद बनवाते हो इसलिए आपको सस्ता पड़ रहा है। फ्रेंड ये है, वो ब्लोइंग करके देता है मेरे को। अच्छा, इसलिए बाकी समथिंग 5 रुपए के आसपास पड़ता है। अच्छा, बल्क में परचेज कर रहे हैं ये प्रोडक्ट जो है, ये मतलब बाहर से जो चीजें, 5 रुपए भी नहीं, मेरे को 4.5 रुपए ऐसे गिरेगा, 4.50 रुपए ऐसे जी, 4 रुपए 50 पैसे में बोतल आपको पड़ता है। क्या बात है माशाल्लाह, कितने नंग का पैकेट बनाते हो आप? 25 कितने में सेल करते हो? 200। अच्छा, 200 रुपए माशाल्लाह, आपका खुद का गाड़ी जाता है? जाता है। अच्छा, मैं किसी को एजेंसी नहीं दिया है, खुद नहीं सेल करता। यानी आप 8 रुपए का बोतल बेचते हो जो आपको 4.5 में पड़ता है। अल्लाह पाक आपको बरकत दे, तरक्की दे, हसद खोरों से आपकी हिफाजत फरमाए, ऊपर वाला आपको खूब बरकत दे। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा। मशीन से कोई शिकायत आपको? नहीं नहीं, कुछ भी कंपनी से कोई शिकायत? कुछ भी नहीं। अच्छा, आप हमारे व्यूअर्स को कुछ कहना चाहोगे? मशीन अगर लेना हो तो क्या करना? मशीन अगर लेना हो तो अल्तमाश भाई के पास ही लो, रियल बेवरेज, कहीं भी मत जाओ, मैं जाके आया हूँ। अब अपनी लैंग्वेज में बताओ, ये हम लोग अभी कहाँ पर, एग्जैक्ट एड्रेस वगैरह कुछ बता दो थोड़ा सा। कर्नाटक हुबली शहर में आए हुए हैं, दांदाबाद से इधर आए हुए हैं, मैं सोच भी नहीं था अल्तमाश भाई इधर आएंगे, आ गए हो। मैं शौक हो चुका हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। आप अपनी लैंग्वेज में कुछ बताएं हमारे व्यूअर्स को, यहाँ पर जो कर्नाटक का लैंग्वेज हो आपका, उसमें हमारे बारे में, आपके बारे में कुछ बताएं। ना उबलेलेंद्र माताडोदु, ಇದು ರೇಲ್ ಬೆವರೇಜ್ ಅಂತ ನಮ್ಮದು ಸಾಫ್ಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಿಷಿನ್ ಇದೆ, ತಗೊಳ್ಳೋದಿದ್ರೆ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ರೇಲ್ ಬೆವರೇಜ್ ಅಲ್ತಮಾಷ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಬೇರೆ ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಬಡಿ, ಎಲ್ಲ ಚೀಟಿಂಗ್ದವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮಿಷಿನ್ ಅಂತರ ಭಾಳ ಬಡಿಯ ಇದೆ. ಇದು ಮಿಷಿನ್ ಓನರ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ತಮಾಷ್ ಬೈ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು, ನಾವು ಏನು ಅನಿಸಿದ್ದಿಲ್ಲ ಇವ್ರು ಬರ್ತಾರಂತೇಳಿ ಬಂದಾರವರು, ಹುಬ್ಳಿ ಮಠ ಬಂದಾರ, 1,200 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್. ಮತ್ತು ಮಷಿನ್ದು ಏನು ತೊಂದರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಏನು ಇದ್ದಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಸರ್ವಿಸ್ ಗಿರ್ವಿಸ್.
ಇಷ್ಟನಂತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಿದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ಬೇವರೇಜ್ ಅಲ್ತಮಾಷ್ ಭಯ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಷಿನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಯಾರು ಬೇಡ. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. कुछ समझ में आएगा कहीं और नहीं जान रही जरूर जाना. लास्ट में इतना समझ आया आपका. बहुत बहुत शुक्रिया सर. ये जो आप जो ये जो हमारे सर बता रहे हैं ना, ये इनका प्यार है. ये बहुत जगह पर बेचारे गए, परेशान भी हुए. एक साल से ज्यादा साल गया मेरा सीजन, एक साल पूरा सीजन गया इनका. बहुत परेशान हुए ये मेरे पास. दूसरी मरतबा जब हमारी कंपनी में आए थे, हम बैठे थे साथ में, मैं इनको देख रहा था बेचारे पेमेंट लेने के लिए कितने परेशान हुए. कुछ अर्जी वर्जी भी करने की बात की थी वो कंपनी पर. वो जो भी देखो, आपके पास इतना सारा वक्त नहीं, हर बंदे के पास इतना वक्त नहीं है, ठीक है, और हर बंदे के पास इतना पैसा भी नहीं है. तो अलहमदुल्ला मालदार है, चलो कोई बात नहीं. एक साल पढ़ा रहा तो इनको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, मगर हर बंदा ऐसा पैसे वाला नहीं. तो चिटिंग ना हो आपके साथ, ये भी ख्याल रखें आप. मशीन ले लेना, अभी बार बार बोलता हूँ, बड़ी बात नहीं. आपको सर्विस मिलना, आपको रिप्लाई मिलना, आपको जवाब मिलना, मशीन का चलना, आप आगे चल रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, आपके साथ आपकी कंपनी जो मशीन जहाँ से ली उनका सपोर्ट होना, ये सब चीज़ें बहुत जरूरी है. अलहमदुल्ला रियल दौरे छोटा मशीन कंपनी आपको सपोर्ट करेगी. और एक बात पूछनी है जी सर, आपके पास मैं जब आया था तो ऑटोमेटिक मशीन आपका बन रहा था, बन चुका है सर? हाँ, अभी वर्क मतलब थोड़ा सा काम बाकी है उसमें, थोड़ा सा बाकी है, थोड़ा है, मेरे को एक बार देखने का है. अच्छा, क्या बात है, माशाल्लाह. वो खरीदी भी करने का है मेरे. क्या बात है, बहुत अच्छी. आपकी एक दो मशीन की और हमारी बात हो रही है. कौन से मशीन की बात हो रही है बताइए. कन्वेयर ऑटोमेटिक कैपिंग वाला एक जी, और ऑटोमेटिक बोतल फिलिंग भी होता है, कैप भी लगता है जी. टोटल ऑटोमेटिक है वो भी जी. उसका और एक सिर्फ फिलिंग मशीन, सिर्फ फिलिंग मशीन भी चाहिए था मुझे. मैं अल्तमाश भाई को अभी दिखा चुका हूँ और उसका ऑर्डर भी आपने मुझे दिया, फाइनल दे चुका हूँ. क्या बात है, लगेगा 4-5 दिन में आ जाएगा वो भी शायद. नहीं, मैं माफी चाहूंगा, 10 दिन जैसा लगेगा, 8 से 10 दिन. अभी वर्कलोड बहुत है हमारे पास, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ. इंशाल्लाह बना दूंगा आपको आपकी रिक्वायरमेंट. इनकी एक साइज मुझे इन्होंने बताई कि एक छोटी सी इनकी साइज है, वहाँ पर ही आपको इंस्टॉल करना है. मैंने कहा मैं इसका मेजरमेंट ले लेता हूँ और इसको अभी ही मैं फैक्ट्री पर ऑर्डर डाल देता हूँ. अल्लाह ने चाहा तो 3-4 दिन में रेडी हो जाएगा वहाँ पर, और वहाँ से ट्रांसपोर्ट डालेंगे वीआरएल में, तो आ जाएगा इंशाल्लाह यहाँ पर. तो ये सब आप देख सकते हो. कस्टमर ने मुझे, आप यकीन मानो, एक रेट तो यूँ पूछा ही नहीं कि हाँ ये चीज़ दे दे. तो ये कब हुआ पॉसिबल? अच्छा, मैंने गलत भी नहीं बोला इनको, सही बोला ना मैंने? सही बोला. छोटी साइज हुई तो मैंने फौरन बोला सर इतना नहीं. कोटेशन दिया मैंने इनको, कहा ये मशीन इतने का, ठीक है, तो बोले बना दो. फिर उन्होंने बताया कि ये साइज में लगाना है. मैंने कहा ये साइज का पैसा कम होगा, सामने से बोला ना मैंने. तो ये चीज़ें गलत भी नहीं करते हम लोग. हम लोग सच बोल के काम करते हैं. हम लोग रियल बेवरेज छोटा मशीन कंपनी सच बोल के काम करती है. ऐसी कंपनी से मशीन लीजिए, आपको इंशाल्लाह फायदा होगा, कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा. तो आप भी ऐसी अच्छी क्वालिटी की मशीन खरीदने के लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हो नीचे दिए नंबरों पर. वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए. अगर आप हमारे सर पर नए आए तो हमारे सर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए. थैंक यू फॉर वॉचिंग रियल बेवरेज. थैंक यू.